हेलो स्टूडेंट्स ये आई पी एस सी का एटथ वीडियो है इसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑलरेडी देख चुके हैं ये थर्ड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ईस्टर्स और ईस्टर में पहले स्टेप तो क्या है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया ये फंक्शनल ग्रुप है पेरेंट चेन मस्ट कंटेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब ये पेरेंट चेन हो जाएगा इंपॉर्टेंट बात ईस्टर में ये है कि ये वाले एल्काइल ग्रुप को कहाँ पर लिखेंगे विच इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन तो बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाकी तो रूल सारे के सारे सेम रहेंगे ये वाला जो एलकाइल ग्रुप है ना विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ ऑक्सीजन ये सबसे पहले लिखा जाता है सबसे पहले लिखने का मतलब प्रिफिक्स से भी पहले अभी तक सबसे पहले क्या लिखते थे हम हर कंपाउंड में प्रिफिक्स लिखते थे लेकिन ईस्टर में प्रिफिक्स से पहले क्या आता है एलकाइल ऑफ ईस्टर फिर प्रिफिक्स के बाद तो नॉर्मली है वर्ड रूट आएगा वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा उसके बाद क्या आएगा उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स अब सेकेंड इसफेक्ट्स हमें ऑलरेडी मालूम है ईस्टर में यदि कार्बन को इंक्लूड किया तो ओ एट यूज़ करते हैं और यदि कार्बन को इंक्लूड नहीं किया तो हमें कार्बोक्सिलेट यूज करना पड़ेगा बस इतना सा थ्योरी है ईस्टर में एग्जाम्पल नंबर वन में चलें तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया ये पेरेंट चेन हो गया और सबसे पहले मुझे ऑक्सीजन से अटैच्ड एल्काइल ग्रुप लिखना पड़ेगा इसका मतलब मैंने लिखा मिथाइल फिर वर्ड रूट बनेगा तो आएगा मैथ प्राइमरी सफेक सेन और ये एलिमिनेट कर रहा हूं वन नहीं लिखा क्योंकि अंडरस्टूड है और नाम क्या बन जाएगा मिथाइल क्लियर है नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये फंक्शनल ग्रुप ये करेक्ट पेरेंट चेन और उसके बाद सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा ये वाला मिथाइल विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन तो सबसे पहले ये लिखा तो नाम बन गया मिथाइल दो कार्बन का वर्ड रूट, रूट एथ प्राइमरी सफिक्स एन ये एलिमिनेट हो गया वन नहीं लिखना है जरूरी नहीं है ओ एट तो नाम हो गया मिथाइल इथिनोवेट नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये रहा फंक्शनल ग्रुप ये सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन फिर उसके बाद सबसे पहले क्या लिखना है मिथाइल ऑक्सीजन सेटेस्ट क्या है मिथाइल तो इन कार्बन का वर्ड रूट प्रॉप प्राइमरी सफिक्स ए इन और लास्ट में क्या आएगा ओ एट नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपिनोवेट नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे ये हो गया फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन हैविंग टू कार्बन एटम्स अब यहाँ पर ये जो साइड चेन है ये कॉम्प्लिकेटेड है तो ये जो ऑक्सीजन से अटैच टेस्टाइल ग्रुप है ये कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको मुझे अलग से लिखना पड़ेगा फिर और हमें हर टाइप के ग्रुप का नेमिंग पहले हम पढ़ चुके हैं बता चुके हैं तो हमने ये लिखा ऐसा अब रूल क्या बोलता है कार्बन विद द फ्री वैलेंसी इज ऑलवेज नंबर वन देन वी हैव टू सेलेक्ट पेरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन अब देखो ये वो इंपॉर्टेंट केस है जहां पर मैं सी एच ओ को इंक्लूड कर भी सकता हूं पेरेंट चेन में और नहीं भी करूं तो भी चलेगा यदि मैंने पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया इसके कार्बन को तो मुझे लिखना पड़ेगा टू फॉर्माइल और वर्ड रूड बनेगा ईथ और लास्ट में लगाना पड़ेगा वाइएल क्योंकि अल्काइल ग्रुप है यदि मैं इसके कार्बन को इंक्लूड करता तो मुझे लिखना पड़ता थ्री ऑक्जो प्रोपाइल ठीक है ना दोनों करेक्ट हैं लेकिन हमने बोला था हमारे सिलेबस में फॉर्माइल ज्यादा यूज होता है इसलिए हमने वो यूज किया तो सबसे पहले मुझे यही नाम लिखना पड़ेगा तो नाम लिख देते हैं टू फॉर्माइल इथाइल ये किसका नाम हो गया ये एलकाइल ऑफ ईस्टर विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन वर्ड रूट बनेगा इथ प्राइमरी सफिक्स इन और लास्ट में क्या आएगा ओ एट नाम हो जाएगा इथेनो एट नंबर फाइव अच्छा एग्जांपल है नंबर फाइव में फंक्शनल ग्रुप देखें तो ये है सीनियर फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन मस्ट कंटेन कार्बन ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप ऐसा नंबरिंग यहां पर करना पड़ेगा वन टू थ्री अब क्वेश्चन इसको मैंने इंक्लूड क्यों नहीं किया तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि यदि फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में होता है तो उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करते क्यों उनके लिए प्रिफिक्स डिफाइंड ही नहीं होते अब इसका नाम कैसे बनेगा तो देखो इसका नाम मुझे मालूम है मिथॉक्सी और ये वाला ग्रुप कौन सा है कार्बोनाइल तो कार्बोनाइल में क्या लगा हुआ है मिथॉक्सी तो इसका नाम हम बना सकते हैं मिक्स करके तो हमने लिखा थ्री और मिथॉक्सी लगाए किसमें कार्बोनाइल में तो थ्री मिथॉक्सी कार्बोनाइल इसका नाम हो जाएगा ठीक अब वर्ड रूट क्या बनेगा प्रॉपर प्राइमरी सफेक्स इन ई एलिमिनेट हो जाता है हर बार क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है ओ एक एसिड ये इसका नाम हो जाएगा अच्छा इस बात से कंफ्यूज नहीं होना इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं थ्री मिथॉक्सी फॉर्माइल भाई फॉर्माइल क्या होता है फॉर्माइल एस सी एच ओ और सी एच ओ के एच को यदि मैं ओ सी एस सी से रिप्लेस करूंगा तो मिथॉक्सी फॉर्माइल भी तो लिख सकता हूं तो अच्छा एग्जाम्पल था ध्यान रखना नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें तो ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप अगेन सी ओ एच ये पेरेंट चेन सेलेक्शन नंबरिंग इजी है अभी तो वन टू थ्री ऐसा आ जाएगा अब यहाँ पर जो साइड चेन है ये जो प्रीफिक्स है ये वाला ग्रुप इसका नाम मुझे लिस्ट से याद रखना पड़ेगा इसका नाम लिखा जाता है इससे एल्केनो एल् एन ऑयल ऑक्सी इस तरीके से साउंड आता है इसका और यहां पर एल् है यहां पर एल्क नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग वर्ड रूट तो नंबर थ्री पे जो है दो कार्बन वाला है इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा इथेनोइल ऑक्सी इथेनोइल ऑक्सी इसका हो गया नाम साइड चेन का वर्ड रूट है तीन कार्बन का प्रॉप प्राइमरी सफेक्स एन वन अंडरस्टूड है इसलिए नहीं लिखा प्रोपेनोइक एसिड ऐसा नाम बन जाएगा नंबर सेवन बढ़िया एग्जाम्पल है ईस्टर है यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच विद द रिंग स्पेशल केस है पेरेंट चेन मुझे रिंग को मानना पड़ेगा नंबरिंग वैसे जरूरी नहीं है लेकिन वन मानना पड़ेगा तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा मिथाइल ईस्टर में तो एल्काइल ऑफ ईस्टर ही सबसे पहले आएगा वर्ड रूट बनेगा रिंग से साइक्लोहैग प्राइमरी सफिक्स बनेगा रिंग में और नंबर वन जो लिखना जरूरी नहीं था अंडरस्टूड है फिर भी मैंने लिख दिया कार्बोक्सिलेट ऐसा आएगा जब हम कार्बन को इंक्लूड नहीं करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट ऐसे ही तो सेकेंडी सफिक्स यूज करते हैं मैं क्लियर बोल चुका हूं ये वाले वन को लिखना कंपलसरी नहीं था क्यों अंडरस्टूड है वो क्लियर है नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो ये हो गया सीनियर फंक्शनल ग्रुप मतलब ये पूरा का पूरा कहाँ लिखा जाएगा साइड चेन में लिखा जाएगा नंबरिंग मेन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा ऐसे और स्पेशल केस है क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद द रिंग तो सबसे पहले नंबर टू पे जो आएगा अभी अभी इसका नाम बताया था टू पे क्या है मिथॉक्सी कार्बोनाइल मिथॉक्सी कार्बोनाइल ये साइड चेन का नाम हो गया रूट बनेगा साइक्लोब्यूट प्राइमरी सफिक्स एन और नंबर वन अंडरस्टूड है वैसे तो लेकिन फिर भी लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा लिखने में आएगा इसका नाम तो इस तरीके से ईस्टर्स का नेमिंग किया जा सकता है ठीक हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड पर आए तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आर एसिड एनहाइड्राइट्स एनहाइड्राइट का मीनिंग ही होता है ऐसे कंपाउंड जो वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद बनते हो और एसिड एनहाइड्राइड मतलब एसिड के मॉलिक्यूल में से एच टू निकालना पड़ेगा और देखियो अंडरस्टूड है कि हमेशा दो मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तब एनहाइड्राइड है बनता है तो ये एच टू यदि मैंने निकाला तो रिमेनिंग पोर्शन को एड करूंगा तो ये क्या बनेगा ये बनेगा एनहाइड्राइड और इसका नाम लिखने का तरीका क्या है देखना नेम ऑफ द एसिड दूज हमें लिखना पड़ेगा पहले नेम ऑफ द एसिड यूज्ड प्लस यूज एनहाइड्राइड नेमिंग कंप्लीट हो जाएगा कितना आसान अब एनाइड्राइड जब लिखा रहेगा तो हमें एसिड का पता कैसे लगेगा तो इस वाले पोर्शन में ओ एच लगा देना या तो फिर इस वाले पोर्शन में ओ एच लगा देना दोनों से हमें क्या है एसिड मालूम चल जाएगा जैसे इस वाले पोर्शन में ओ एच लगाऊँगा देखो इस एसिड का नाम लिख लेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे एनाइड्राइड एग्जाम्पल में ट्राई कर लेते हैं जैसे यहाँ पर इस वाले पोर्शन में ओ एच लगा देते हैं इस वाले पोर्शन में यदि ओ एच लगाएंगे तो क्या बनेगा सी और यहां पर मैंने क्या लगाना है ओ OH. एच तो ये वाले एसिड का नाम क्या है इथेनोइक एसिड तो इस अनहाइड्राइड का नाम क्या बन जाएगा नेम ऑफ द एसिड यूज इथेनोइक और जहां पर एसिड लिखते हैं बस वहां पे क्या लिखना पड़ेगा एनहाइड्राइड देखो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है मैंने डाई नहीं लिखा डाई अंडरस्टूड है कि इथेनोइक एसिड के ही डबल मॉलिक्यूल यूज हुआ होगा नेक्स्ट वेरिएशन है ये वाला कंपाउंड और इसमें क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि एसिड डिफरेंट यूज हुआ है और दी एसिड डिफरेंट यूज हुआ है इसका मतलब मुझे दो एसिड के नाम लिखने पड़ेंगे पहले एक इस वाले पोर्शन से और एक इस वाले पोर्शन से बनाना पड़ेगा तो एसिड बनाकर देखें यहां पर बनेगा मिथेनोइक एसिड और यहां पर बनेगा इथेनोइक एसिड और दी एसिड का नाम लिखना है तो दो एसिड का नाम लिखना पड़ेगा इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा इथेनोइक क्या लिखना पड़ा इथेनोइक एसिड फिर लिखना पड़ेगा मिथेनोइक एसिड अब एसिड के बजाय मुझे क्या लिखना पड़ेगा ना इसका नाम हो जाएगा तो यदि डिफरेंट एसिड यूज होते हैं तो हमें दोनों एसिड के नाम लिखने पड़ते हैं इस तरीके से हो जाएगा काम यहाँ पर यदि बात करेंगे तो यहाँ पर इस वाले एसिड का नाम लिखना पड़ेगा जिसमें ये वाला क्या आएगा साइड चेन तो यदि इसमें मैं ओ एच लगाऊँ तो एसिड बनेगा ऐसा अब इस एसिड का नाम कैसे लिखूंगा ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं इस एसिड का नाम क्या बनेगा टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड और जिसका नाम है टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड तो इस एनाइड्राइड का नाम क्या हो जाएगा टू मिथाइल एसिड का नाम लिखूं पहले टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड लिखता तो एसिड की जगह क्या लिखता एनाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा कितना आसान नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं इस बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लिकेटेड है तो एसिड का पता कैसे लगाएं तो ये वाले पोर्शन को कट कर दो और यहाँ पर ओ एच लगा लो देखो एनाई एसिड का, का काम हो जाएगा और इसका नाम यदि लिखूंगा तो इसका नाम लिखने के लिए मुझे पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा और पेरेंट चेन कितने कार्बन का आएगा फोर और डाइएक एसिड लिखना पड़ेगा तो मैं नाम लिखूं तो क्या नाम बनेगा ब्यूटेन वन फोर डाइओक एसिड तो एसिड की जगह मुझे क्या लिखना है एनाइड्राइड तो एनाइड्राइड का नाम हो जाएगा एनाइड्रेड एनाइड्राइड की जगह एसिड लिखूंगा तो एसिड का नाम हो जाएगा और क्या नेक्स्ट एग्जांपल में बात करूं तो यहां पर ये ब्रेक किया ओ एच लगाया और ये इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि पेरेंट्स इन ये स्पेशल केस है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद अ रिंग तो नाम लिखने के लिए मुझे वर्ड रूल लिखना पड़ेगा साइक्लोहेग्स प्राइमरी सफिक्स सफेक्स इन वन और टू पे जो है सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखना पड़ेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अब एसिड के बजाय मैं क्या लिख दूं एनहाइड्राइड लिख दूं तो एनहाइड्राइड का नाम हो जाएगा एसिड का नाम लिखना हो तो एनहाइड्राइड की जगह एसिड लिख दो काम हो जाएगा नेक्स्ट थोड़ा ट्रिकी है नंबर सिक्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ का फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड नहीं ईस्टर है और ईस्टर है तो यहाँ का पेरेंट चेन ये वाला रहेगा यहाँ पे जो सी एस थ्री है साइड चेन रहेगा और ये जो है साइड में ऑक्सीजन से अटैच्ड उसको यदि मैं अलग से लिखूँ तो इसका नाम अलग से बनाना पड़ेगा और इसका नाम क्या बनेगा वन क्लोरोथाइल वन क्लोरोथाइल ऐसा नाम बनेगा अब ये सबसे पहले लिखना पड़ेगा मुझे तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा वन क्लोरोल ये है एल्काइल ऑफ ईस्टर विच इज डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन फिर आएगा प्रिफिक्स नंबर टू पर क्या आएगा नंबर टू पर आएगा मिथाइल ये प्रिफिक्स आया तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा प्रॉप प्राइमरी सफेस एन ये एलिमिनेट कर दिया और हमने क्या लिख दिया ओ एट तो इस तरीके से हम एनहाइड्राइड का भी नेमिंग कर सकते हैं ये सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड था नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड पर आते हैं अमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वेरिएशन देखना पड़ेगा और अभी तो नहीं लेकिन ये कॉमन नेमिंग में आएगा जब नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन होते हैं तो इसको हम क्या स्टडी करते हैं प्राइमरी अमीन एक हाइड्रोजन रहेगा तो सेकेंडरी अमीन और नाइट्रोजन पर यदि एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी अमीन लेकिन ये कॉमन नेमिंग का है आगे एक्सप्लेन कर देंगे ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखो तीनों के केस में हमने प्रीफिक्स में क्या लिखा है अमाइनो और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखा है मीन मतलब ये तो फिक्स है लेकिन क्वेश्चन ये इस एल्काइल ग्रुप का क्या जो यहां पर जो एक्स्ट्रा आ गया इनका क्या करेंगे हम तो देखो इतना सारा याद करो या तो एक लाइन याद रखो नाइट्रोजन पे यदि हाइड्रोजन की प्लेस पर कोई ग्रुप आ जाता है तो दैट ग्रुप ऑलवेज कंसीडर्ड एज प्रिफिक्स और राइट दैट ग्रुप इन प्रिफिक्स लाइक एन एलकाइल प्रिफिक्स का मतलब पहले लिखा जाने वाला तो यहाँ पर देखो ये एन एनएलकाइल प्रिफिक्स में लिखा प्रिफिक्स मतलब पहले लिखा यहाँ पर दो ग्रुप हैं तो एन एन एनएलकाइल डैश लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिमिलर होते तो एन एन डाई काइल लिखा होता अब यदि मैं फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में लिखूंगा तो मैंने बोला ना एन एलकाइल प्रिफिक्स में लिखना पड़ेगा और प्रिफिक्स कहाँ आता है वर्ड रूट के भी पहले एन एनएलकाइल एन एलकाइल डैश प्रिफिक्स में वर्ड रूट के ही पहले आएगा और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखना पड़ेगा मुझे अमीन क्लियर है एक काम करते हैं एग्जाम्पल में ट्राई करके बताते हैं नंबर वन एग्जाम्पल देखते हैं नंबर वन एग्जाम्पल में दिस इज करेक्ट पेरेंट चेन नंबरिंग की जरूरत नहीं है वन और टू ऐसा नंबरिंग हो जाएगा और यहाँ पर यदि मैं नाम लिखूंगा तो मैंने लिखा वर्ड रूट क्योंकि प्रिफिक्स तो है नहीं प्राइमरी सफिक्स आएगा ए इन ई एलिमिनेट कर रहा हूँ और वन भी नहीं लिख रहा क्यों क्योंकि मैंने ए से स्टार्ट होने वाला सेकेंडरी सफिक्स लिखा है और ध्यान से देखना ये क्या नाम हो गया इथेनामीन अब नया डाउट आता है लोगों को क्या हम इसको एमाइन इथेन लिख सकते हैं क्या नई बात सुना एमआनो इथेन लिख सकते हैं क्या देखो दोनों में डिफरेंस एक्चुअली है ना I mean, और इसमें कहा लिखा है, ग्रुप लिखा है मैंने पर इन प्रिफिक्स अब तुम खुद कर देखो विच वन इज बेटर रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बेटर है रूल ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा सेकेंडरी सफिक्स में लिखा जाता है इसका मतलब ये है ओनली करेक्ट चॉइस फिर भी मैं फर्स्ट सेकंड लिख देता हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा हो सकता है कि यदि फर्स्ट वाला चॉइस नहीं रहेगा तो मजबूरी में मुझे सेकंड वाला ऑप्शन टिक करना पड़ता है लेकिन यदि कहीं लिखकर आने वाली बात है तो इथेना इज ओनली करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड क्लियर है सेकेंड एग्जाम्पल में बात करते हैं दिस इज करेक्ट पेरेंट चेन नंबरिंग फॉर लोएस्ट लुक एंड नंबर ऐसा करना पड़ेगा और इसका नाम बनाऊंगा तो मैं तो देखो डायरेक्ट तो मैं पहले तो मैं फर्स्ट च्वाइस ही लिखूंगा और फर्स्ट चॉइस क्या है वर्ड रूट ब्यूट प्राइमरी सफिक्स इन और नंबर टू पर क्या आएगा एमीन फर्स्ट चॉइस का मतलब मैं फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ही लिखना प्रेफर करूंगा हाँ यदि ये वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर मैं सेकेंड चॉइस पे जा सकता हूँ और सेकेंड चॉइस में मुझे एम आइनो लिखना पड़ेगा तो टू पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा टू एम आइनो वर्ड रूट बनेगा क्या ब्यूट प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा एन और नेमिंग हो जाएगा टू एम आइनो ब्यूट एन नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें तो यहाँ पर सेकेंड रेमीन वाला केस है और ये जो मिथाइल है ये प्रिफिक्स में लिखना पड़ेगा मुझे एन एलकाइल बोलकर और मैं ऑब्वियसली फर्स्ट च्वाइस ही पहले लिख रहा हूँ फर्स्ट च्वाइस मतलब सीरियल नंबर वाला नहीं प्रायोरिटी वाला और फर्स्ट च्वाइस बोलने का मतलब मैं फंक्शनल ग्रुप को कहाँ पे लिखूंगा सेकेंडरी सफिक्स में लिखूंगा तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा एन मिथाइल फिर वर्ड रुट आएगा इथ प्राइमरी सफिक्स आएगा इन ई और वन एलिमिनेट कर रहा हूँ और लास्ट में आएगा एमिन नाम हो जाएगा ऐसा सेकेंड च्वाइस लिखवाना चाहो तो ठीक है मुझे एमाइनो लिखना पड़ेगा और एम एन मिथाइल लमाइनो इस तरीके से प्रीफिक्स में लिखा जाएगा ये एन मिथाइल लमाइनो वर्ड रूट बनेगा ये प्राइमरी सफिक्स बनेगा गए नेमिंग हो जाएगा ऐसा क्लियर है नंबर फोर एग्जांपल में बात कर लेते हैं नंबर फोर एग्जांपल टर्शरी एमीन वाला केस है और नंबरिंग का ध्यान रखना क्योंकि अंडरस्टूड नहीं है इस बार नंबर टू पर है तो ऐसा लिखना पड़ेगा अब यदि मैं यहाँ पे फर्स्ट च्वाइस लिखता हूँ तो एक मिनट को फर्स्ट च्वाइस लिख कर बताऊँ फर्स्ट च्वाइस का मतलब मुझे एन पर पहले इथाइल लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर मुझे एन पे मिथाइल लिखना पड़ेगा ये हो गया प्रिफिक्स फिर इधर स्पेस नहीं है तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ क्या बनेगा ब्यूट प्राइमरी सफिक्स रहेगा ए इन और नंबर टू पर आएगा एमीन ये, ये हमारा फर्स्ट च्वाइस हो जाएगा यदि तुम इसमें मुझे सेकेंड च्वाइस लिखवाना चाहते हो तो सेकेंड च्वाइस में मैं क्या करूंगा बस एमाइनो को पहले लिख दो तो कैसे लिखूंगा एन इथाइल एन मिथाइल और मुझे क्या लिखना पड़ेगा एमाइनो ये पूरा प्रिफिक्स में आ गया फिर वहां स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या आएगा वर्ड वुड ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स आएगा नेमिंग हो जाएगा ऐसे क्लियर है और देखो जो हमने यहाँ पर सीखा वो हर फंक्शनल ग्रुप में एप्लीकेबल है अब जैसे यहाँ पर देखो यहाँ का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है एमाइट और आइड में भी नाइट्रोजन पर एच की जगह पे क्या आ गया है क्लोरिनो ब्रोमिन तो बिल्कुल वही करेंगे कि एच की जगह पर जो आता है उसको हम प्रिफिक्स में लिख देंगे एन ब्रोमो एन क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हूं वर्ड रूट बनेगा इथ प्राइमरी सफेक सेल ये एलिमिनेट हो गया है और मैंने लिख दिया एम नाम हो जाएगा ऐसा ये नंबर सिक्स सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स में से एक है ऑब्जर्वेशन बेस्ड है जरा ध्यान से देखना बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे तुम्हें इसमें नया तरीका भी सीखेंगे कंपाउंड का ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है तुम्हें एन एच देख कर तुम इसको एमीन मान सकते हो हो सकता है कि तुम्हें सी एच ओ ग्रुप दिखे तो तुम इसे एल डी हाइड मान सकते हो और हो सकता है कि थोड़ा और ध्यान से ऑब्जर्व करो तुम्हें एन एच सी डबल बॉन्ड हो ग्रुप दिखे और तुम इसे मान सकते हो एमाइड तो जब कंपाउंड में बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं तब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप मानें तब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर यूज करना पड़ेगा आई का और चूंकि एमाइड का प्रायोरिटी एल्डिहाइड और एमीन से ज्यादा है इसलिए हमें एमाइड मानना पड़ेगा देखो यदि मैंने फंक्शनल ग्रुप अलग मान लिया तो मैं इंफॉर्मेशन भी अलग यूज करूंगा ना तो यदि एमाइड है तो यहाँ का जो वर्ड रूट बनेगा केवल एक कार्बन से बनेगा तो एन पर जो आएगा वो मुझे प्रिफिक्स में लिखना पड़ेगा एन मिथाइल एक कार्बन का वर्ड रूट मेथ प्राइमरी एन और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा एमाइड इस तरीके से हम सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं तो देखो मैंने रूल्स नए नहीं, नहीं बताए मैं तो केवल क्या कर रहा था मैं तो केवल कंफर्म कर रहा था यकीन दिला रहा था कि जो हमने रूल्स पढ़े उसके बेसिस पर हम सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हैं तो ये आई के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स और इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब बस हम एक बाईसाइकलिक और स्पायरो वाला वीडियो और अपलोड करेंगे उसके बाद हम कॉमन नेम्स पर आ जाएंगे ठीक है थैंक यू